नमस्कार वर्को, वर्को यानी कन्या राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस एम दिकारों से। तो आज हम वर्को यानी कन्या राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या किसी भी रीजन से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये आज से लेकर यानी कि 23 से लेकर या 22 से लेकर 30 अप्रैल तक यानी कि अप्रैल के लास्ट तक की रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो वर्को इसमें सबसे पहले देखेंगे जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे कि एंजल मैसेज क्या है उनके लिए, गाइडेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं वर्को। द लवर्स, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्को जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते में खुशहाली लाने के लिए, इस रिश्ते का प्यार बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी प्रॉपर्टी इन चीज़ों पर फोकस करेंगे और चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए, तो धीरे धीरे करके जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली खुद ब खुद आएगी और वो अपने पैरों पर खड़े होंगे। आगे उन्हें किसी के मुंह तकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए वो सबसे पहले सिंगल रहते हुए यानी कि इस रिश्ते को दोबारा से आगे बढ़ाने से पहले अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसे पर ध्यान देना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि और उसके बाद उनको लग रहा है कि जब वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे उसके बाद अगर वो एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी के साथ अगर वो ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी झलकपट हेरा फेरी धोखाधड़ी के बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो लक उनका साथ देगा, भाग्य उनका साथ देगा और अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, खुशहाली उनको मिल सकती है और जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। यानी कि पूरी ख्याति नेम और फेम इस रिश्ते को मिल सकता है और आगे ये रिश्ता बढ़ सकता है। और बिना समय को वेस्ट किए हुए जो भी प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल है, यानी कि इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है या लस्ट है या एडिक्शन है, उनमें आमने सामने बैठ कर अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे तो जो किले सिकवे जो प्रॉब्लम जो बचपना जो नादानी है इस रिश्ते में जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता रीयूनियन होगा। यानी कि खुशियों के साथ आगे बढ़ेगा और खूबसूरत ख्याति के साथ ये रिश्ता नेम और फेम के साथ सक्सेसफुल होगा, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और देखते हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं, वर्को आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। वर्को के पर्सन वर्को से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, द हर्मेट, द हाई प्रिस्टेस एंड द फूल। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कत है। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं लेकिन वो चाहते हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाया जाए। और जो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर वो सब सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, इस रिश्ते की गहराई को समझें कि रिश्ता ऐसे वैसे नहीं बनता। अगर वो हील करेंगे इस रिश्ते को, इसमें मेडिटेशन करेंगे तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, यानी कि उनकी अंतर आत्मा उन्हें जवाब देगी
और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी या इस रिश्ते का मार्गदर्शन करेगी। और वो चाहते हैं कि चुप्पी और खामोशी के साथ वो सब कुछ जानते हैं इस रिश्ते के बारे में, वो काफ़ी समझदार हैं। तो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए उन चीज़ों का ढिंढोरा ना पीटें, उस रिश्ते के बारे में किसी को ना बताएं जो उनका चल रहा है। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, वो चुप रहें, खामोश रहें और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। और हो सके तो इस रिश्ते में जंप ना लगाते हुए, भले ही वो जंप ना लगाएं लेकिन सोच विचार करके एक बिगनिंग एक शुरुआत करें। यदि वो एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आएंगी और कन्फ्यूज़न परेशानी दिक्कत ख़त्म होगी और दोबारा से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी। और जो ये एनर्जी है, इमैच्योर हो सकती है, नादान हो सकती है, लेकिन अगर मैच्योर एनर्जी के साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके वो परेशानी, वो दिक्कत, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं वर्गो, वो चाहते हैं कि आप समझदारी के साथ इसमें चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करें और समझदारी के साथ इसमें जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लें। अभी किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं, इसका ढिंढोरा ना पीटें। तो देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन कोई एक्शन लेंगे। आइए देखते हैं वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, जिनके साथ उनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या नो कॉन्टैक्ट में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हमारे कार्ड्स आए हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स, द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में जो इमैच्योर नई एनर्जी है, अगर ये एनर्जी यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स, द स्टार, तो जो है इस वो यही इसमें जो ये रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके लिए वो बेचैन है, बेकरार है, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं लेकिन रिजल्ट हर बार नेगेटिव मिलता है। कभी फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, कभी जब भी रिंगटोन बजती है या कोई भी दरवाजे पर आता है तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं और इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं कि कब पॉजिटिविटी आएगी। हो सकता है कि ऐसा आप भी सोच रहे हैं, आप भी वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो अगर इमैच्योर एनर्जी के साथ, भले हो सकता है कि कोई एक तरफा डाइवोर्स भी रहा हो, उनका दोबारा से रिश्ता हो, तो और या एज डिफरेंस की वजह से भी ये रिश्ते में जो दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है, लक साथ दे रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करते हैं तो धीरे धीरे करके यही बिगनिंग, यही शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और उसके लिए सब स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि हीलिंग मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि क्योंकि अगर इस रिश्ते में हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, जो परेशानी दुविधाएँ आई हैं वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, यूनिवर्स के मैसेज के साथ ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार होगा, फिर से स्टारिंग होगा, फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं कि दोबारा से ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ गोल्डन स्टार हो और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएँ। तो ऐसा वो एक्शन लेने वाले हैं इसमें, फिर से इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हुए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं और इस रिश्ते को गोल्डन स्टार करने वाले हैं। तो देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं, यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए कोई मैसेज गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। फॉरगिवनेस, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, दूसरे लोगों की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है।
तो आपके कार्ड्स आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है टेक एक्शन। आप सबसे पहले एक्शन लीजिए, शुरुआत कीजिए, कदम बढ़ाइए और एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। अगर सामने वाला माफ़ ना भी करे तो दिल से माफ़ करते हुए आप आगे बढ़िए और जो है इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाइए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो सक्सेसफुल आप ज़रूर होंगे, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, रिश्ता आपको आगे बढ़ रिश्ता आपका ज़रूर आगे बढ़ेगा। रीयूनियन होगा, जो आपका ब्रेकअप या सेपरेशन या डिस्टेंस चला हुआ है, जो दूरियां बनी हुई हैं वो सारी ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके समय आपके फेवर में होगा। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए एक दूसरे को और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।